Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is concept of Bodhisattva. So Bodhisattva is a term that is related to Buddhism philosophy. Now Bodhisattva ye jo word hai, it's Sanskrit in its origin. But as we all know, the Buddha and the Buddhism mostly uses the Pali languages, and even the Buddha himself uses Pali as a language to propagate or to teach his doctrine. Okay, जो इसका जो पाली है दैट मीन्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. नो संस्कृत मीन्स है इसका बोधिसत्व, दैट इज अ वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन दैट इज अ बोधिसत्वास, और इसका जो पाली और द सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन है बोधिसत्ता. ओके, अगर हम बोधिसत्वास को बाइफिकेट करें, टू पोर्शन में डिवाइड करें, देन वी गेट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म बोधिसत्व. सो अगर बोधि का मीनिंग है दैट इज द enlightened being. On the other hand, जो सत्वास पोर्शन है, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें सत एंड दी तवस पोर्शन में, सो सत मीन्स सत इम्प्लाइंग द इक्वानिमिटी, सत इम्प्लाइंग इक्वानिमिटी. ऑन द अदर हैंड जो तव पोर्शन है, दिस वर्ड मीन्स द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रूथ और गुडनेस, बिकॉज बुद्धा एम्फसाइज ऑन द ट्रूथ. ओके, नेक्स्ट इज द ओरिजिनल आइडिया. कहाँ से ये ओरिजिनल आइडिया एमर्ज हुआ था? सो बुद्धा रिफर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास इवन बिफोर हिज डेथ, बट इट वॉज नॉट क्रूशियल टू द ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग. दैट इज वाई इट विल नॉट बिकेम, और ये रेलिवेंस नहीं हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा. ओके, सो इसका ओरिजिन कहाँ से है? दैट इज द बुद्धा रिफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास इवन बिफोर हिज डेथ, बट इट वॉज नॉट क्रूशियल एंड इट वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट पार्ट टू द ओरिजिनल बुद्धिस्ट. बट लेटर ऑन विद द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, दिस बोधिसत्वा बिकेम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द न्यू थिंकिंग. दैट इज विद द इमर्जेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म, this bodhisattvas became a significant part. It became now the significant part. Okay, acha, now ye jo bodhisattvas hain, these were the monks of Mahayana Buddhism. That is for sure, because it was the jo relevance aaya, jo uska significance aaya with the emergence of Mahayana Buddhism. So ye jo bodhisattvas hain, they were considered as the philanthropic beings. Philanthropic beings. It is because why they are known as the philanthropic beings? Because they used to work for the salvation of others. That is, they used to work for the salvation of others before working their own salvations. उन्हें अपना salvation नहीं करना है. They were at the verge of attaining this salvation, but वो दूसरों की help करेंगे in order to attain others to salvation. ठीक है? On the other hand, ये जो बोधिसत्वास हो गया, ऑन द अदर हैंड इस कॉन्ट्रेरी एक टर्म है दैट इज द अरहत. और अरहत का क्या मीन्स है? नाउ अरहत जैसे बोधिसत्वास का जो टर्म है दैट वॉज दैट एमर्ज इन द महायान बुद्धिज्म, और ये जो अरहत है दे वर द मॉन्क्स ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म. और ये कॉन्ट्रेरी है बोधिसत्वास के, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू बी द सेल्फिश बींग, सेल्फिश बींग इन द सेंस दैट बेसिकली दे बिकॉज दे यूज टू वर्क ऑन देयर ओन सेल्वेशन, और वो हेल्प नहीं करते थे दूसरों को सेल्वेशन अचीव करवाने में. ओके, सो बोधिसत्वास कौन हुए? नाउ बोधिसत्वास इज अ पर्सन हु इज एट द वर्ज ऑफ अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, बट ही वो नॉट डू अनलेस और अंटिल एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ अटेन द स्टेटस ऑफ निर्वाणा. ओके, जो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, हु आर द बोधिसत्वास? सो बोधिसत्वास आर द पर्सन्स हु आर एट द वर्ज ऑफ अटेनिंग द निर्वाणा, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ, दैट इज द निर्वाणा. बट वो नहीं करते हैं, वो पोस्टपोन कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज उनका ये जो मोटिव है वो ये उसमें बिलीव करते हैं दैट अनलेस और अंटिल एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ अटेन्स द स्टेटस ऑफ निर्वाणा, उनकी ये जो ड्यूटी तब तक पूरी नहीं होगी और वो लोग खुद निर्वाणा अचीव नहीं कर सकते. दैट इज द
एवरी पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ अटेन निर्वाणा. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज द फिलेंथ्रोपिक बींग्स. ओके ओके. और ऑब्वियसली बिकॉज यही जो रीजन है, दैट इज वाई द बोधिसत्वास आर शोइंग नो नीड टू हरी इन दिस स्टेट ऑफ सेरेनिटी. सो आई एम यूजिंग दिस टर्म बिकॉज दैट माई बी पॉसिबल ये सारे टर्म्स रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएं. तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो मैंने बताया बिकॉज दे आर द वर्ड्स ऑफ अटेनमेंट द निर्वाणा, पर जो क्वेश्चन में आएगा सो दैट इज दे आर नो नीड न्यू नीड टू हरी इन द स्टेट ऑफ सेरेनिटी. नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, हु बिकेम द बोधिसत्वास, कौन बन सकता है बोधिसत्वास. सो लुक, बोधिसत्वा मीन्स वन हु हैज एसेंस ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट इज वन हु हैव एसेंस ऑफ एनलाइटनमेंट. नाउ ट्रेडिशनली जो बोधिसत्वा है इज एनीवन, ठीक है, कोई भी हो सकता है एनीवन. उस सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज हु इज मोटिवेटेड बाई ग्रेट कंपैशन, दैट इज हु इज मोटिवेटेड बाई ग्रेट कंपैशन हैज जनरल बोधिचित्ता, ठीक है. और वो क्या है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस विश टू अटेन बुद्धाहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिमेंट बींग्स. ओके, दैट इज विश टू अटेनिंग द बुद्धाहुड. नाउ इट इज वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट इन द बुद्धिस्ट आर्ट. नाउ जो बोधिसत्व है इज बॉर्न टू एनलाइटनमेंट एंड रिफर्स टू ऑल हु आर डेस्टिन टू बिकेम बुद्धा इन हिज लाइफ और एनदर लाइफ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व वॉज कंसीव्ड एज ए सीरीज ऑफ प्रीवियस इंकारनेशन ऑफ द बुद्धा. ये जो है बुद्ध, जो बोधिसत्वास का जो कॉन्सेप्ट है, नाउ ये कहाँ से आया है. सो बेसिकली इट कंसीव्ड एज ए सीरीज ऑफ previous incarnations of Buddha. That is the previous incarnations of Buddha. And it tells that the spiritual merit can be accumulated through the births and it can be transferred to another person. Okay? और वो क्या समझाता है कि जो भी आपने spiritual merit अपनी एक whole life में जो भी आपने वो उसको अर्न किया है, इट कैन बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द बर्थ, जितने भी आप बर्थ्स लेंगे, एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन जब आप रीबर्थ करेंगे. ओके, तो ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व. नाउ बोधिसत्व ऑफ द महायानिज्म वॉज ऑल्सो अ बींग ऑफ कंपैशन एंड सफरिंग हु रिडीम्ड ह्यूमैनिटी थ्रू हिज ओन सफरिंग. ओके, सो देर आर द इम्पॉर्टेंट बोधिसत्वास एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बोधिसत्वास. सो फर्स्ट इज द अवलोकितेश्वरा और द पद्मपाणि. सो दे आर नोन एज द लॉर्ड हु लुक्स डाउन. ओके, सो जो अवलोकितेश्वरा है, इट्स स्पेशल एट्रीब्यूट इज कंपैशन. Special attribute is compassion or kindness. He is said to incarnate in Dalai Lama. और जो दलाई लामा में जो उन्होंने बर्थ लिया है, it was जो ये माना जाता है, that is the अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि, जो कि एक बोधिसत्व है, उन्होंने इस means जो present sanctuary है और जो present जो time period है उसमें बर्थ लिया है as a form of Dalai Lama. दलाई लामा. ओके, नाउ ही इज डिपिक्टेड एज होल्डिंग अ लोटस फ्लावर, दैट इज होल्डिंग अ लोटस फ्लावर. और कहीं कहीं पे इरिस्पेक्टिव कि उनका जेंडर, दैट इज समझेंगे यहाँ पे, कहीं उसको मेल भी कहा जाता है इनको, अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि को, कहीं फीमेल भी कहा जाता है. एक फेमस केव पेंटिंग है ऑफ द अवलोकितेश्वरा, जो कि अजंता केव्स में पाई जाती है, ऐसे पद्मपाणि की तरह. ओके, नेक्स्ट इज द मंजूश्री.
मंजुश्री क्या है? वन हु स्टिमुलेट अवर अंडरस्टैंडिंग, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में. नाउ ही इज ऑल्सो नोन टू चाइनीज इन तिब्बतन एज वेल. ओके, नोन टू चाइनीज इन तिब्बतन पीपल एज वेल. ओके, एंड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्रेट विजडम एंड मेडिटेशन. मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेट wisdom and meditation. Now Manjushri is depicted as a male Bodhisattvas, जो हमने पहले देखा था, that is अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि, वो male भी थे और female भी कहीं कहीं पर उनको consider किया जाता है, but Manjushri is solely a male Bodhisattva. और जो उनके हाथ में, जो अवलोकितेश्वरा के हाथ में एक लोटस था, इनके हाथ में क्या है, wielding a flaming sword in his right hand, that is the जलती हुई तलवार, फ्लेमिंग स्वॉर्ड इन हिज राइट हैंड, हिज राइट हैंड. नेक्स्ट वन इज समानता भद्रा. नाउ समानता भद्रा मीन्स यूनिवर्सल वर्दी, मीन्स यूनिवर्सल वर्दी, एंड ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेडिटेशन. He is associated with the meditation and he was known to Japanese people as well. His manifestation is action. Okay, and he is key figure in the flower garland sutra. Key figure in the flower garland sutra. Okay. नेक्स्ट इज द किश्ती वर्क और द स्टर्नर बोधिसत्वास. और इनका जो है मीन, दैट इज द वन हु डिस्ट्रॉयज द डिजायर. ओके, नाउ बिकॉज किश्ती वर्क इज ऑल्सो डिपेक्टेड एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क इन द ओरिएंट और बेसिकली द होल ऑफ द ईस्ट एशिया, एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क इन द ईस्ट एशिया. Now he is regarded as a bodhisattva of earth or the hell beings or mortals. Regarded as a bodhisattvas of the whole earth or the hell beings or mortals. Now जो किश्ती बरगा है along with the समानता भद्रा, मंजुश्री एंड अवलोकितेश्वरा, दीज आर द प्रिंसिपल बोधिसत्वा, दैट इज दीज आर द इम्पॉर्टेंट और द प्रोमिनेंट बोधिसत्वास इन द ईस्ट एशियन महायाना बुद्धिज्म. ओके, बोधिसत्वास इन द ईस्ट एशियन महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म. नेक्स्ट इज द मैत्रे. नाउ मैत्रे दैट इज द काइंड वन, द काइंड वन. नाउ द मैत्रे विल बी द सक्सेसर, ही इज टू बी कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ द गौतम बुद्ध, इज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ गौतम बुद्ध. नाउ ही इज ऑल्सो नोन एज द अजीता बोधिसत्वा, अजीता बोधिसत्वा. नाउ ही होल्ड्स अ वॉटर फियल इन हिज लेफ्ट हैंड, वॉटर फियल एक घड़ा टाइप का इन हिज लेफ्ट हैंड. बिकॉज इनका जो अर्लिएस्ट मेंशन है, दैट इज द मैत्रेया, वो काय में है, दैट इज इन दी दिघा निकाया. एंड और दिघा निकाया क्या है, इज अ द पाली कैनन, इट्स एन इम्पॉर्टेंट बेसिकली जो है लिटरेचर है अंडर द बुद्धिज्म. नाउ ही सेड दैट ही अराइव व्हेन द ओशन विल डिक्रीज इन साइज, दैट इज व्हाई ही कीप्स अ कुंभ और द फिलई इन हिज हैंड एंड विल रूल द कुतुमती प्योर लैंड, दैट इज द वाराणसी.
अच्छा, जो लाफिंग बुद्धा की जो इमेजेस हैं, दैट वॉज मोर और लेस इंस्पायर्ड बाई, बेसिकली इट्स एन इनकार्नेशन ऑफ द मैत्रेय का ही है, ठीक है, इट वॉज जो लाफिंग बुद्धा की जो इमेजेस हैं। नेक्स्ट इज द वज्रपाणि। वज्रपाणि मीन्स थंडरबोल्ट। सो वज्रपाणि इज डिपिक्टेड एज वन ऑफ द थ्री प्रोटेक्टिव डीटीज अराउंड द बुद्धा। ओके, एक तो वज्रपाणि हो गया, दैट इज अ थंडरबोल्ट अराउंड द बुद्धा, अदर टू आर द मंजुश्री, मंजुश्री एंड अनदर वन इज अवलोकितेश्वरा। जो वज्रपाणि है, इट मैनिफेस्ट दी बुद्धास पावर, इट मैनिफेस्ट दी बुद्धास पावर। जो मंजुश्री है, इट मैनिफेस्ट दी बुद्धास विजडम। इन जो अवलोकितेश्वरा है, इट मैनिफेस्ट दी बुद्धास कंपैशन। सो नेक्स्ट वन इज दी सदापरि बुद्धा। नाउ सदापरि बुद्धा इज अ बोधिसत्व विच मैनिफेस्ट नेवर डिस्प्रेगिंग स्पिरिट, नेवर डिस्प्रेगिंग स्पिरिट। नेक्स्ट इज आकाश गर्भा। आकाश गर्भा इज बाउंडलेस एज स्पेस। तो ये इनकी कोई भी बाउंड नहीं है, ये वॉज नॉट बाउंड बाई एनी वन, इज boundless as space, okay, and he is the manifestation of wisdom. Next is the Amitav or the father of heaven. So it was also inke sath associate kiya jata hai ek word, that is the infinite radiance, because he was or he is considered to be the father of heavens. So one who brings for us the immeasurable glory, one who bring us immeasurable, आप measure नहीं कर सकते glory. Now let's quick recap. Now ये जो बोधिसत्वास का जो concept है, so ये इसके लिए कहता है, that is जो एक idea है of the transcendent buddhas and the bodhisattvas, that is who stood between the nibbana and the samsara, that is the nibbana एंड दी संसारा, उसके बीच में जो है, दैट इज ही अटेन्ड द एनलाइटनमेंट, बट जो निर्वाणा अचीव करने ही वाला है उसके बीच में जो है, दैट इज जो बोधिसत्वास है, ठीक है, बोधिसत्वास। ओके, सो बाई फॉलोइंग द पाथ डिफाइनमेंट, अगर हम बोधिसत्वास का अगर पाथ फॉलो करेंगे, सो वॉट विल हैव, वी विल मेल्ट ऑल द इल्यूजन्स एंड वी विल गेट द परफेक्ट क्लैरिटी and the knowledge. If we attain the path of bodhisattva, so what will happen? First of all, jitne bhi hamare illusion hai, that is the maya, or the maya is the root cause of desires, wo sare melt ho jayenge. We achieve the perfect clarity as well as the knowledge. Knowledge to understand the reality. ओके, तब हमें अटेंड होगी व्हेन वी फॉलो दी पाथ ऑफ बोधिसत्वास। सो बोधिसत्वा कौन है? सो बोधिसत्वा इज एन ऑर्डिनरी पर्सन हु टेक अप अ कोर्स इन हिज और हर लाइफ दैट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ बुद्धा। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा। सो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोधिसत्वास। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द बोधिसत्वास वर द मॉन्क्स ऑफ हीनयाना बुद्धिज्म। Second statement says that the bodhisattva is bound to enlightenment. You have to choose the correct answer. In order to attempt this question, please pause the video screen and write your answer in the comment section below. So here the correct answer will be B, that is the two only, because we will discuss in detail that bodhisattvas were the monks of Mahayana Buddhism and not the Hinayana Buddhism. हीनयाना से कौन रिलेटेड है? दैट इज द अरहत, आर द सेल्फिश बींग्स, और जो तो बोधिसत्वास हैं, दीज आर द फिलेंथ्रोपिक बींग्स। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।